नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी गई है CCS की तरफ से। जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आया था उनका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप चेक करेंगे अपना मेरिट लिस्ट में नाम। ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, जब भी आपको पता चल पाएगा। दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी का फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आया है, आ भी गया था तो वे भूल चुके थे कि मेरा ऑफर लेटर नहीं निकल रहा था। बट कभी कभी ऐसा हो रहा है दोस्तों। पिछली बार क्या हुआ था, फर्स्ट मेरिट में ये हुआ था, जिनका मतलब शुरू शुरू में जैसे मेरिट लिस्ट जारी करी गई थी तो उस टाइम पे आपका जो है ऑफर लेटर नहीं दिखा रहा था। बट क्या हुआ, एक दो दिन बाद आपका ऑफर लेटर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मान लिया किसी का अभी ऑफर लेटर, मान लिया कल आज से एडमिशन शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है एडमिशन, मान लिया अभी अब आपका दिखा नहीं रहा मतलब कि ऑफर लेटर, तो आप घबराने वाली बात नहीं, आप एक आध दिन में और चेक करिए, आपको ऑफर लेटर जो है दिखा दिया जाएगा। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको चेक करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे डेट चल रही है ना, ये देख सकते हैं आप, ये 5 अगस्त उसकी फर्स्ट मेरिट की लिस्ट थी जो क्लोज हो चुकी है। अभी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है पहले, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और दोस्तों, ऐसी एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो को सब्सक्राइब करके रखा है, जैसे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैं अपलोड करता हूँ, तो सबसे पहले उसके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है जिसने मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखे हैं। और जिन्होंने चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है, क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं उन्हीं के पास जो है मेरा वीडियो जो है जाता है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करो। अभी क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर CCS एडमिशन डॉट AISAMS, ये वाला क्या आप गूगल पर टाइप करेंगे, मैं आपको गूगल कर चलो दिखा देता हूँ। अभी गूगल पर आपको टिक टाइप करना है CCS एडमिशन, एडमिशन 2023-24 इतना लिखना है आपको, और लिखने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा ये वाला आपको इसी पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पोर्टल को आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन मिलेगा, कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2023-24, फर्स्ट वाला कैंपस वालों का है, तो सेकंड वाला आपको चुनेंगे। सेकंड वाला चुनने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अगर आपको कैंपस की मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो ये वाला चुनना है, कॉलेज लॉगिन वाला, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अपना जो मैं बता रहा हूँ BA BCom BSc ये वाला जो आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन लॉगिन। आपको इसमें क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, इनमें से एक चीज़ आप डालेंगे, या तो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं या मोबाइल नंबर। देने के बाद आपको जो पासवर्ड मिला था फॉर्म भरते टाइम, वो आपको पासवर्ड नीचे डालना है पासवर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो आपको पासवर्ड मिल ही गया होगा सबको, और जिनका पासवर्ड भूल चुके हैं या याद नहीं है या भूल खो गया है आपके, फॉरगेट का ऑप्शन मिल रहा है, फॉरगेट पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने अपना मोबाइल नंबर फॉर्म भरते टाइम दिया था वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपने नंबर दिया है यहाँ पर डालेंगे उसी नंबर पर आपका जो है मतलब कि पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा फॉरगेट करके, मतलब कि न्यू पासवर्ड आपका बन जाएगा। अब आपको मतलब कि आपको मैं समझा देता हूँ, एक कटिंग आई है मेरे, देख सकते हैं, पहले मैं आपको कटिंग दिखा देता हूँ, आज की कटिंग है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये कटिंग है, पेपर से मैंने कटिंग लिखा दी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी कट ऑफ जारी, आज से हो गए प्रवेश, तो देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में गुरुवार को देर रात विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में स्नातक व स्नातक स्तरीय डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में के दूसरी कट ऑफ जारी कर दी गई है। दूसरी कट ऑफ कॉलेज में शुक्रवार यानी 11 से 14 अगस्त तक प्रवेश हो गए। कॉलेजों को 14 अगस्त तक प्रवेश का विश्वविद्यालय के पोर्टल पर
कैंपस करना अनिवार्य है, कंफर्म करना अनिवार्य है क्यों होगा। उक्त प्रवेश प्रक्रिया में 5 वर्षीय बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी के अलावा बीपीएस, और यहाँ पे दे रखा है बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट पाठ्यक्रम शामिल है। पंजीकृत विद्यार्थी अपनी लॉगिन आईडी से डाउनलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म ऑफर लेटर के साथ ही इन स्तर शैक्षिक आरक्षण मूल निवास आधार आदि सभी प्रमाण पत्र और उनके संबंध प्रमाणित छाया प्रति लेकर कॉलेज में प्रवेश के लिए पहुँचे। दूसरी कट ऑफ में अंकित पाठ्यक्रम में कॉलेज में किसी भी कारण प्रवेश न लेने की विद्यार्थियों को ओपन मेरिट में ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वही विश्वविद्यालय परिसर के विभागों में इन स्तर के स्तरीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए पहली में ओपन मेरिट जारी की जा चुकी है, जिसके छात्र छात्राएं 11 अगस्त यानी शुक्रवार तक ऑफर लेटर जमा कर सकेंगे। ऑफर लेटर के सभी विश्वविद्यालय ओपन मेरिट सूची तैयार कर 14 से 16 अगस्त तक प्रवेश लगेगा। परिसर के सभी विभागों के अभ्यर्थी के प्रवेश को 16 तक ऑनलाइन पोर्टल पर कन्फर्मेशन करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड मेरिट जो है आपकी लिस्ट जारी कर दी गई है, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है। अब आपको ऑफर लेटर कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ऑफर लेटर आपको आसान है बहुत ही, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है ना, मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, और डालने के बाद आपको क्या करना है अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी एक चीज़ इनमें से डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आप लॉगिन हो जाते हो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, एडमिशन पोर्टल 2023-24, आपका यूजी रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, पेमेंट सक्सेस, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आपका प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा। अगर आपका नंबर आ चुका है मेरिट लिस्ट में तो यहाँ पे जो साइड में ये अलाउटमेंट स्टेटस दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका ऑफर लेटर दिखा दी जाएगा नीचे। जिन बच्चों का यहाँ पे मतलब कि नाम नहीं आया है मेरिट में, सेकंड मेरिट में नाम नहीं आया है, वो इस तरह से आपका ब्लैंक दिखाया जाएगा, जैसे ब्लैंक दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाया जाएगा आपका इस तरह से, जिस बच्चे का नाम नहीं आया है। और जिस बच्चे का नाम आ चुका है उसका मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अभी पहले इसके समझ लीजिए, जिस जो भी ब्लैंक आ रहा है ना, तो यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे ऑफर लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो समझ लेना उसका जो है यहाँ पे सेकंड मेरिट में जो है नाम नहीं आया है। और एक और बात है, घबराने वाली बात नहीं, अगर आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, अगर आपका यहाँ पर नहीं दिखा रहा है अभी ऑफर लेटर, तो आप क्या करेंगे, आज 11 तारीख है, 12 तारीख या 13 तारीख में आप चेक करेंगे, या 14 में भी आप चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, जब पिछली बारी मेरिट लगी थी, जो फर्स्ट मेरिट लगी थी इसमें सीसीएस की, तो उन्होंने क्या करा था, जब इसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी, जब तो इन्होंने ऑफर लेटर डाले नहीं, उसके बाद आपका ऑफर लेटर डालना चालू करा था। तो आप ये मत सोचना कि आपका नंबर नहीं आया, आपका नंबर आ गया हो कुछ पता, आप कल तक या परसों तक आपका ऑफर लेटर यहाँ पे शो करे, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जिसका नहीं आएगा उसका तो मान लिया जाएगा कि आपका मतलब कि आया नहीं है, मतलब कि सेकंड मेरिट लिस्ट में भी, तो जिस भी बच्चे का यहाँ पे ऑफर लेटर दिखा रहा है उसका जो है आ चुका है, और बाकी कल या परसों में या 14 तारीख में आप चेक कर लेना आपका ऑफर लेटर यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसे डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने बाद दोस्तों आपको कॉलेज में जाना है, अपना जो फॉर्म भरा था फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन पीडीएफ पे को डाउनलोड करके। ये सारी चीज़ आपको दो दो कॉपी करवानी है, मूल निवास जाति आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड, जाति मूल निवास आए, और आपका फॉर्म, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दो दो कॉपी करवा के जो है अपने जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आया है उसमें जाके अपना जो है प्रवेश आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब मैं आपको बता रहा हूँ जिसका ऑफर लेटर मतलब दिखा रहा है, मतलब कि जिसका नंबर आ चुका है वो कैसा शो करेगा वो आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो एप्लीकेशन पीडीएफ आ रहा है इसके साइड में देख सकते हैं व्यू स्टेटस जो आ रहा है, यहाँ पे जो अलाउटमेंट स्टेटस आ रहा है इसके नीचे जो आ रहा है व्यू स्टेटस, तो ये आपका जो है यहाँ पे इस तरह का ऑफर लेटर दिखा दिया जाएगा अगर आपका नाम जो है आ चुका है सेकेंड मेरिट लिस्ट में। देख सकते हैं आप, जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो ये दिखा दिया जाएगा इस तरह से, जैसे ये दिखा रहा है
यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ये आपको ये तो आपको प्रिंट आउट हो गया। अब आपको ये सेकंड वाला जो अलॉटमेंट टी शर्ट है, ये आपका ऑफर लेटर हो गया। अगर आपको इसे ही आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, डाउनलोड करके ये आपको प्रवेश पत्र, यहाँ यही आपका ऑफर लेटर है, इसे लेके आपको जो है कॉलेज में जाना है। अब इस पे ही आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। दोस्तों क्लिक करने बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कौन से कॉलेज में आपका जो है नंबर गिरा है, कौन से में नहीं गिरा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर जो वाला है अलाउटमेंट, जो सबसे पहले जिसमें भी अलाउटमेंट आ रहा होगा वही आप समझ लेना कि आपका जो है नंबर आ चुका है उसी कॉलेज में, जैसे ऊपर अलाउटमेंट दिखा रहा है ये। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए अलाउटमेंट जिसमें दिखा रहा है इसमें जो है नंबर आ चुका है आपका, अभी देख सकते हैं आप। जो नीचे है फॉर्म उसमें नहीं आया आपका, फर्स्ट वाले में जो आपका यहाँ पे सबसे ऊपर जो कॉलेज दिखा रहा है NS कॉलेज जो इसमें दिखा रहा है उसी में आपका जो है नंबर आया है। अब आपको यहाँ पे इसको जो यहाँ पे जो क्लिक कर रखा है मैंने, यहाँ पे UG मेरिट 1 में जो है आपका ये वाला जो है डाउनलोड दिखा दिया जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 02 आएगा। अभी यहाँ पे 01 जो है आपको मैं डेमो के लिखा दिखा रहा हूँ, 02 आएगा आपका अगर आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जाकर आप जो है अपना PDF डाउनलोड करोगे फिर। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हो और अपना प्रवेश पत्र ले सकते हैं कॉलेज में जाके। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रक्रिया आपको बताई दी है कैसे कैसे आपको डाउनलोड करना है। और जिसका नहीं दिखा रहा है वो अभी कुछ टाइम जो है वेट करिए, या तो कल आप चेक करिए या परसों चेक करिए। आप जो है ट्राई करते रहिए, क्या पता चले आपका जो है लेट कभी ये लेट आपका डाले, क्योंकि पिछली मेरिट में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। फर्स्ट जो है शुरू शुरू में नहीं दिखाया था ऑफर लेटर, पर बाद में जो है 100 दिखा दिया गया था। अभी किसी का ऐसा हो सकता है कि अभी 100 नहीं हो कर रहा हो, बाकी जिसका नंबर नहीं आया होएगा तो उसका वो आपका दिखाने का ही नहीं है। बाकी जिसका नंबर आ जाएगा उसका या कल या परसों में दिखा देगा। अगर आपका लास्ट तक भी नहीं दिखाया जाएगा, मतलब एडमिशन के लास्ट वाले दिन भी नहीं दिखाया जाएगा, तो समझ लेना आपका जो है नंबर नहीं आया है सेकेंड मेरिट में भी। ठीक है दोस्तों, तो जिसका आया है उसका आप निकालवा के अपना ऑफर लेटर जो है कॉलेज में जाकर प्रवेश आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हुए ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों के पास जो है शेयर कर दीजिए, उन सभी विद्यार्थियों के पास जिनका फर्स्ट मेरिट में जो है पहली मेरिट लिस्ट में जो है नंबर नहीं आया है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में वो चेक कर सकते हैं अपना नंबर आया नहीं आया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग सारी वीडियो मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।